इस विद्यालय में शौचालय है? हाँ। कितना शौचालय? एक शौचालय। लड़का लड़की का अलग है? लड़की का एक है बस, लड़का नहीं है। तुम शौचालय में जाती हो? हाँ। लड़का लोग कहाँ जाते हैं? लड़का लोग बाहर जाते हैं। कानून के तौर पर विद्यालय में सभी बच्चे को, लड़का एवं लड़कियों को अलग अलग शौचालय होनी चाहिए और साथ में खेल का मैदान, शिक्षक पूरी होनी चाहिए और साथ में किचन सेट भी होना चाहिए। लेकिन गया जिला के मोहरा प्रखंड के मध्य विद्यालय गनौखर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे विद्यालय में शौचालय है? जी। कितना शौचालय है? एक, सिर्फ लड़की के लिए। लड़का के लिए नहीं। तो तुम लोग कहाँ जाते हो? बाहर जाते हैं। इससे दिक्कत क्या होता है? दिक्कत है उतना, हम लोग को उधर जाना पड़ता, रोड तरफ, तो उससे क्या परेशानी होता है? रोड तरफ जाने से परेशानी कुछ नहीं होता है, लोग आते जाते हैं तो देखते हैं। तो शौचालय नहीं है तो इसके लिए आप किसी को बोले थे? बोलने के लिए तो यहाँ पदाधिकारी लोग आते ही हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या और लोग आए देखे, रिपोर्ट शिपोर्ट यहाँ से जाता भी है कि यहाँ किचन नहीं है या शौचालय एक ही है। लेकिन दूसरे बात, शौचालय तो आया नहीं। तो आप भी शौच के लिए बाहर जाते हैं? नहीं, हमारा जब ऐसा जरूरत पड़ता है तो हम तो इसी में जाते हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि मध्य विद्यालय गनौखर में बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का मोबाइल नंबर 9430806987 पर फ़ोन कर उनका सहयोग करें। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडिया नेट के लिए।